वन स्टूडेंट ऑल ऑफ यू, आज हम पढ़ेंगे मैथ की सातवीं क्लास। इससे पहले हमने छठवीं क्लास में क्या पढ़ा भाई? खंडस समाकलन। क्या पढ़ा? खंडस समाकलन। आज हम सातवीं क्लास में पढ़ेंगे आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। ठीक, क्या पढ़ेंगे भाई? आंशिक, देखिए स्टूडेंट हमारे पास क्या है, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। इसमें हम आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन कुछ जानते हैं। ऐसे फलनों को हम समाकलन करेंगे जिनके भिन्न रूप होते हैं, मतलब कि जिसके भिन्न रूप होते हैं, उन भिन्न में दो से अधिक क्या होते हैं, आंशिक भिन्नों का विच्छेद किया जा सकता। मतलब इसमें आंशिक भिन्नों को पहले क्या करते हैं, खंड करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। आंशिक भिन्न बनाना सिखलाया जा गया। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें आंशिक भिन्न कैसे बना देता है हम ये सीखेंगे। उसके बाद आंशिक भिन्नों द्वारा बनाते समय हम निम्न बातों को ध्यान रखते हैं। ठीक है, नंबर एक, यदि अंश की घात हर की घात के बराबर हो। क्या भाई? अंश की घात हंस की घात के बराबर हो या अथवा अधिक हो, तो पहले अंश या हर से पहले क्या करते हैं, भाग करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, पहले हम भाग करते हैं। फिर दूसरा क्या भाई, मूल भिन्न। दूसरा पॉइंट क्या भाई, मूल भिन्न हर से जितना गुणनखंड होते हैं उतनी ही आंशिक भिन्न बनाई जा सकती है। यदि हर में गुणनखंड करना संभव हो तो आंशिक भिन्न बनाने से पहले गुणनखंड करना अनिवार्य है। ठीक है, यदि भाई हर का गुणनखंड करना संभव हो, मतलब सबसे पहले यही मेन पॉइंट देखते हैं, इसमें हर का हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। ठीक है, यदि गुणनखंड करना संभव हो तब उसको क्या करते हैं, हम उसकी भिन्न बना लेते हैं। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हम इसमें देखते हैं कुछ स्टूडेंट। जैसे अभी हमने कहा, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आता है क्या करते हैं उसमें देखते हैं हम, क्या सो गुणनखंड बनना संभव है। देखिए जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है भाई, पॉलिटेक्निक खंड समाकलन का, इसका हमारे पास क्या है पहला क्वेश्चन भाई, आंशिक भिन्नों द्वारा यक्स प्लस वन नीचे कितना, यक्स प्लस टू फिर यक्स प्लस थ्री। क्या भाई, यक्स प्लस वन यक्स प्लस टू फिर यक्स प्लस थ्री। क्या देखते हैं इनका हमें गुणनखंड बन सकता है? हाँ स्टूडेंट, देखिए इसमें देखने पता चल रहा है कितना है यक्स प्लस टू और कितना है भाई यक्स प्लस थ्री, कितना है यक्स प्लस थ्री। इसे क्या कर सकते हैं, हम गुणनखंड बना सकते हैं दोनों को। जब हमें पता चल गया ऑलरेडी हमारे पास क्या है, गुणनखंड है, तो हमने क्या किया, इसको हम क्या किया, a बराबर a अपान कितना लिख दिया, यक्स प्लस टू। ठीक है, इतना लिख दिया। फिर b बराबर क्या लिख दिया हम अपने पास, यक्स प्लस थ्री। इसको हम दो गुणनखंड में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब हम इतने बराबर हम इससे इतना लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन a अपान यक्स प्लस टू प्लस b अपान कितना, यक्स प्लस थ्री। इसको हम स्टूडेंट क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर वन। क्या मान लेते हैं स्टूडेंट, जैसे इक्वेशन नंबर वन मान लेते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम यहीं पर इक्वेशन नंबर वन मानकर इसको यहीं पर क्या करते हैं, हम छोड़ देते हैं। चलिए आगे की पॉइंट देखते हैं। जब हम उसको एक्स इक्वेशन नंबर वन मान लिए तो हमारे पास क्या बच गया भाई यहाँ पर, अब हम यहाँ से पूरे इंटीग्रेशन सिस्टम क्या कर दिए, पूरे इधर से भी इंटीग्रेशन सिस्टम को हटा दिए। पहले इनकी इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, यक्स प्लस टू यक्स प्लस थ्री, यहाँ पर भी यक्स प्लस टू यक्स प्लस थ्री, ये पूरा ए अपान इतना हो गया, इतना अपान। अब हमें देखने पता चल रहा है यहाँ पर क्या भाई, हमें एलसीएम के रूप में मिलना क्या मिल सकता है, यक्स प्लस टू यक्स प्लस थ्री क्या मिल गया, एलसीएम मिल गया। ठीक है, जब यक्स प्लस टू यक्स प्लस थ्री हमें क्या मिल गया स्टूडेंट, एलसीएम मिल गया, तो हमने क्या किया यहाँ पर जो ऐसा उसको रख दिया, यहाँ पर यक्स प्लस टू यक्स प्लस थ्री एलसीएम लिया हमने। ठीक है, तो क्या हो गया, एक्स प्लस टू से एक्स प्लस टू कैंसिल हो गया। अब यहाँ कितना बचा, एक्स प्लस थ्री, यहाँ कितना हो गया, एक्स प्लस थ्री हो गया। अब यहाँ एक्स प्लस टू, अब भाई एक्स प्लस थ्री यहाँ कैंसिल हो गया, कितना बचा यहाँ पर, एक्स प्लस टू बचा ना। अब यहाँ पर क्या भाई, देखिए नीचे एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री और ये क्या होते हैं, दोनों सेम फंक्शन दिख रहे हैं ना, क्या दिख रहे हैं भाई, दोनों सेम फंक्शन दिख रहे हैं। इससे पूरा फंक्शन कट गया, इससे पूरा फंक्शन कट गया आपस में, ठीक कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच्चे स्टूडेंट, ध्यान से देखिए हम लोग, हमारे पास बच्चा यक्स प्लस वन एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में क्या बच्चा भाई, क्वेश्चन में ए क्वेश्चन में यक्स प्लस थ्री, फिर क्या करते हैं हम बी यक्स प्लस टू। ठीक है, अब हम क्या इतना यहाँ तक हमें क्या हो गया, प्राप्त हो गया। अब आगे की क्रिया हम देखते स्टूडेंट, हम वैल्यू रखना सीखते हैं। जैसे हमारे पास यक्स प्लस टू है, क्या भाई यहाँ पर यक्स प्लस टू है ना, तो जब यक्स प्लस टू तो हम इसकी वैल्यू क्या रख सकते हैं, जब बराबर जीरो करेंगे क्या हो जाएगा, यक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस टू। अब देखिए हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या है भाई, यहाँ पर देखिए x प्लस थ्री, यहाँ क्या कर सकते हैं, इसको बराबर करेंगे क्या हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस थ्री ना, कितना हो गया भाई, x बराबर माइनस थ्री। अब यहाँ कितना इस वाले फंक्शन को लेंगे, कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा। तो हमारे पास दो इक्वेशन मिले, x बराबर माइनस टू, x बराबर कितना, माइनस थ्री। जब हमारे पास दो चीज़ मिल गए तो हम क्या करेंगे भाई, इसको देखते हैं। जैसे हमने कहा स्टूडेंट, हम क्या रह सकते हैं, वहाँ से हम जो a और b के वैल्यू मानते हैं उसी के स्थान से क्या करते हैं, जो भागफल मानते हैं। जैसे क्या हम कर लिए, x बराबर क्या कर लिए भाई, यक्स रवा माइनस टू रख दिए। जब यक्स रवा माइनस टू रखेंगे कितना आएगा, माइनस टू। इस वाले इक्वेशन में रख रहे हैं, ठीक है, इक्वेशन नंबर टू में, किस में रहे हैं, इक्वेशन नंबर टू में, हम पूरे इक्वेशन नंबर टू में हम यक्स रवा कितना, माइनस टू रखें। तो जब यक्स रखोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस टू, फिर प्लस वन है तो प्लस वन लगा दी, फिर बराबर ए की वैल्यू जैसे है ऐसे लिख दिए स्टूडेंट, यक्स की वैल्यू कितना, माइनस टू, तो माइनस टू लिख दिए, फिर प्लस थ्री प्लस थ्री कर दिए। ठीक है, फिर प्लस प्लस बी है तो प्लस बी किए, यक्स के स्थान पर क्या रखेंगे, माइनस टू रखेंगे। अब देखिए यहाँ माइनस टू
निगेटिव में यहाँ क्या हो गया, पॉजिटिव में आपस में कर गए, ठीक है। अब जब यहाँ माइनस प्लस वन और माइनस टू जब घटेगा कितना आएगा स्टूडेंट, माइनस वन आएगा। और यहाँ से भी वही सिस्टम क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस थ्री आएगा। चलिए आगे देखते हैं हम, तो हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट, यहाँ पर कितना जब घटेगा कितना, माइनस वन आ गया। अब इससे पूरे से घटाया कितना आ गया भाई, प्लस ए आ गया। फिर हमारे पास अब ए की वैल्यू पूरे कितनी मिल गई, ए बराबर माइनस वन। कितनी मिल गई भाई, ए बराबर माइनस वन हमें क्या मिल गई, ए की वैल्यू मिल गई, ठीक है। जब हमें ए की वैल्यू मिल गई तो हमें क्या करना है, बी की वैल्यू निकालना। हमने कहा कि जो बी वाला फंक्शन क्या था, बी अपान एक्स माइनस एक्स प्लस थ्री था, तो एक्स बराबर वैल्यू क्या रखेंगे, एक्स माइनस थ्री रखेंगे। क्या रखेंगे भाई, एक्स बराबर एक्स माइनस थ्री रखेंगे, ठीक है। अब जब हम क्या करेंगे, माइनस थ्री रख दी इस इक्वेशन नंबर सेकेंड में, तो माइनस थ्री प्लस वन कितना हो गया, माइनस थ्री प्लस वन हो गया, बराबर कितना हो गया भाई, इतना हो गया। अब फिर इसके बराबर इतना हो गया, माइनस थ्री प्लस थ्री क्या हो गया, आपस में कैंसिल हो गया, ठीक है। जब आपस में ये कैंसिल फंक्शन हो गया, हमारे पास कितना बचा स्टूडेंट, जब इससे इन दोनों फंक्शन को पूरा आपस में घटाया गया तो कितना आया, प्लस टू आया। अब इस तो पूरा कट ही गया पूरा फंक्शन, हमारे पास इतना बचा, इससे इसको घटाएंगे कितना आएगा भाई, कितना आएगा देखते हैं हम, कितना है, माइनस वन आया। तो माइनस वन इधर भी, माइनस वन इधर भी, माइनस से माइनस क्या हो गया, आपस में कैंसिल हो गए। तो बी बराबर फंक्शन कितना आ गया, टू आ गया। बी की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, टू आ गई, ठीक है। स्टूडेंट जो भी हम मान माने थे, हम जिसको इक्वेशन नंबर वन माने थे, जो ए और बी की वैल्यू हमें कितना आई भाई, उसको ले जा क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर वन हम एक पे रख देंगे। किस पे रख देंगे, एक पे। ए बराबर कितना माइनस वन, बी बराबर कितना टू, तो हम क्या किए, इसको ले जाके इक्वेशन नंबर वन पे रख दिए। इक्वेशन नंबर वन पर रखेंगे, इसके बराबर इतना, इसके बराबर इतना, तो माइनस वन बराबर कितना एक्स प्लस टू, फिर प्लस टू पान कितना एक्स प्लस थ्री, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए आगे हमारे पास क्या हो गया भाई, अब जहाँ से देखें हमें पता चलता है कि ये किसका फार्मूला बन गया, वन अपान एक्स। वन अपान एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स। कितना होता है भाई, वन अपान एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन जहाँ ध्यान से देखते हैं, अब यहाँ पर भी वही फंक्शन बन गया, वन अपान एक्स, वन अपान एक्स मतलब क्या हो गया, टू है, टू मल्टीप्लीकेशन कर दिए कितना हो गया, वन अपान एक्स। जहाँ पर वन अपान एक्स फार्मूला बन गया तो क्या, इतना वही फार्मूला कर दिए, माइनस से तो माइनस आगे लगा दिए, नीचे क्या कर दिए, लॉग एक्स प्लस टू। अब यहाँ क्या है, टू हम बाहर कर दिए, कितना हो गया, वन अपान एक्स, मतलब एक्स के स्थान पर क्या है, एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस थ्री कर दिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, सबका इक्वेशन क्या हो गया, सॉल्व हो गया ना। तो यहाँ पर माइनस इतना 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 आ गया, इसके बाद इतना क्या हो गया, हमारा यही आंसर हो गया स्टूडेंट, ठीक है। हमें उम्मीद हो गई कि हमें आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम एक बार फिर से बता देते हैं, अब कितना हो गया स्टूडेंट, माइनस वन अपान एक्स का इंटीग्रेशन कहें कितना, माइनस लॉग एक्स। तो एक्स के स्थान पर क्या हमारे पास, पूरा एक्स प्लस टू है। ऐसे यहाँ पर कि वन अपान एक्स कितना हो गया भाई, लॉग एक्स। यहाँ कितना है, एक्स प्लस थ्री है। उम्मीद होगा कि स्टूडेंट ये क्वेश्चन हम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट। स्टूडेंट हमें उम्मीद होगा कि आपको पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया भाई, यक्स स्क्वायर प्लस वन अपान कितना, यक्स इंटू यक्स माइनस वन, ठीक है। इतना हमारे पास क्या है, क्वेश्चन क्वेश्चन दिया। इसे हम क्या करना है, इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो हमें देखने पता चला है कि इसका फार्मूला बन रहा है स्टूडेंट, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्रिएट हो रहा है ना। तो यक्स स्क्वायर प्लस वन अपान इतना होगा यक्स। यहाँ पर क्या किया, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमने क्या किया, फार्मूला पुट कर दिया, ठीक है। कितना हो गया, एक्स प्लस वन। दूसरे क्वेश्चन में कितना, एक्स माइनस वन। दो इक्वेशन कंप्लीटेड। अब देखिए हम इतने बड़ा, हमने कहा सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर वन क्रिएट करते हैं। इसके बाद इतना कर लिए हम, देखिए यहाँ पर एक्स बचा, तो एक्स को क्या कर दिए हम, वहाँ ए अपान एक्स कर दिए। अब बी वाले फंक्शन क्या किए, बी अपान एक्स प्लस वन कर दिए। सी वाले फंक्शन क्या किए, एक्स अपान एक्स माइनस वन कर दिए, ठीक है। तीन फंक्शन हमने क्या किया इसमें क्रिएट किया। इसे क्या कह दिए भाई, इसको हमने क्या माना, इक्वेशन नंबर वन। क्या माना भाई इस पूरे फंक्शन को, इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। बाकी अब इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट हम बाकी जैसे हैं, इंटीग्रेशन सिंबल दो तरफ को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। इंटीग्रेशन क्या किए हम, दो तरफ को क्या हुए इस इक्वेशन में, खत्म कर दिए, ठीक है। जब इंटीग्रेशन सिस्टम हमने खत्म किया तो हमें पता चल गया कि इतना 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 पूरे के एलसीएम हमारे पास कितना है, एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वन हमारे पास क्या हो गया भाई, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, क्योंकि हमारे ए वाले फंक्शन जो है, यहाँ पर ए वाला फंक्शन है, उसके नीचे सिर्फ एक्स है। तो एक्स एक्स क्या कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना बचा, एक्स स्क्वायर माइनस वन बचा, ठीक है। फिर प्लस बी है तो प्लस बी लगाया हमने, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बचा स्टूडेंट हमारे पास, एक्स। अब यहाँ पर फंक्शन कितना है, एक्स प्लस वन है, तो एक्स प्लस वन खत्म होगा तो कितना बचेगा, एक्स, एक्स माइनस वन बचेगा, ठीक है। फिर प्लस थ्री है तो प्लस थ्री हमने लगाया स्टूडेंट। यहाँ कितना बचेगा भाई, यहाँ भी वही सिस्टम हुआ, हमारे पास एक्स माइनस वन है, तो एक्स माइनस वन क्या हो गया, आपस में खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ कितना बचा, एक्स। फिर कितना बचा क्वेश्चन में भाई, एक्स वही बचा, एक्स प्लस वन बचा, एक्स फिर एक्स प्लस वन बचा, ठीक है। अब नीचे हमारे पास जो है स्टूडेंट, वही लिख दिए पूरा हम टोटल, कितना एक्स, एक्स माइ, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, ये दोनों फंक्शन क्या हो गया, आपस में सेम हो गए, एक्स इतना ये हो गया, इतना ये आपस में क्या हो गया, आपस में कट गए, ठीक है। अब इनका किस्सा यहीं से खत्म हो गया। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक।
हमारे पास सिर्फ कितना बचा जब ये दोनों नीचे से हर सेक्शन से खत्म ही हो गए, हमारे पास कितना बचा यक्स स्क्वायर प्लस वन स्टूडेंट बराबर कितना बचा ए यक्स स्क्वायर माइनस वन फिर प्लस बी यक्स माइनस वन फिर कितना सी यक्स प्लस वन। ठीक है, इतना ही स्टेप बच गया। अब जब देखते हैं स्टूडेंट, हमने भी बताया कि हम जैसे यहाँ पर कितना रखें, यक्स बराबर जीरो रखे। ठीक है, यक्स बराबर जीरो रखा हमने और क्या किए भाई, यक्स बराबर जब जीरो रखे हम और दूसरा यक्स बराबर क्या किए माइनस वन रखे और तीसरा यक्स बराबर क्या रखे भाई हम वन रखे। ठीक है, कितना रखे हम वन रखे ना, तो ये कैसे रखे ये आपको बताना है। ये कैसे रखे भाई, हम आपको एक बार फिर से समझा देते हैं। हम कहीं से नहीं, हम कहीं दूसरे स्थान से नहीं लाते इसको, हम यहीं से मानते हैं जो इसके फंक्शन को माने हैं। देखिए यहाँ पर कितना माने स्टूडेंट, ध्यान देखिए आप जरा, ए अपान यक्स माने, यहाँ कितना बी अपान एक्स प्लस वन माने, यहाँ कितना सी अपान एक्स माइनस वन माने। तो ए बराबर कुछ नहीं है, इसके स्थान पर यक्स प्लस वन या कुछ माइनस कुछ जुड़ा नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, यक्स बराबर जीरो हो गया। ठीक है, क्योंकि भाई कुछ जुड़ा हो, जैसे वन जुड़ा होता तो इसका मतलब माइनस वन होता या माइनस वन जुड़ा होता तो वन होता, लेकिन कुछ नहीं जुड़ा तो इसका मतलब जीरो। देखिए दूसरे स्टेप में क्या है, यक्स प्लस वन जुड़ा है, इसका मतलब बराबर जब जीरो रखेंगे क्या हो जाएगा, यक्स माइनस वन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें क्या है, यक्स माइनस वन जुड़ा है, तो जब बराबर जीरो रखेंगे क्या हो जाएगा, यक्स बराबर कितना हो जाएगा वन हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, यक्स बराबर वन हो जाएगा। अब इसमें कितना हो गया, यक्स बराबर कितना माइनस वन, अब इसमें कितना हो गया, यक्स बराबर कितना जीरो, तीन वैल्यू हमें मिल गई ना। तो यही तीनों वैल्यू ले जाके क्या करते हैं, उस पर हम पुट कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसे हमने क्या क्या, हमें यक्स बराबर जीरो, यक्स बराबर माइनस वन, यक्स बराबर वन, तीन वैल्यू मिल गए। ठीक है, अब तीनों वैल्यू के हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर सेकेंड होता है, सेकेंड नंबर इक्वेशन क्या करते हैं हम रखते हैं। एक बार सबसे पहले क्या करते हैं, यक्स बराबर जीरो रखते हैं, जब यक्स बराबर जीरो रखेंगे कितना आएगा, यक्स बराबर या बराबर कितना माइनस वन, एक वैल्यू निकल जाएगी। अब दूसरा समीकरण नंबर एक में अब क्या करेंगे भाई, समीकरण नंबर टू है, मिस्टेक कीजिए आंसर, ऐसे क्या करेंगे समीकरण नंबर टू, क्योंकि इसको हमने क्या किया भाई, इसको हमने क्या किया, समीकरण नंबर टू माना पूरे को। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तो हम यहाँ पर गलती से मिस्टेक से वन लिख दिए हैं, तो क्या कर लीजिए भाई, समीकरण नंबर टू लिख दीजिएगा, समीकरण नंबर टू। ठीक है, तो समीकरण नंबर वन टू में हमने क्या किया, यक्स बराबर जीरो रखने पर कितना आया, एक वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वन आ गई। अब समीकरण नंबर टू में हम क्या किया, यक्स बराबर माइनस वन रखेंगे कितना आएगा भाई, ए बी बराबर कितना वन आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही भाई हम यक्स बराबर, अब समीकरण नंबर सेकेंड में ही, समीकरण सेकेंड में हम क्या करेंगे भाई, समीकरण नंबर सेकेंड में हम क्या करेंगे भाई, अब हम किसकी वैल्यू रखेंगे भाई, इसकी यक्स बराबर वन की वैल्यू रखेंगे, कितना आएगा समीकरण नंबर सेकंड में, सी बराबर कितना वन आ जाएगा। हमें ए और बी और सी की किसकी तीनों चीज़ की वैल्यू आपस में पता चल गई, जब हमें ए बी और सी तीनों चीज़ की वैल्यू पता चल जाती है तो हम कहाँ जाते हैं स्टूडेंट, समीकरण नंबर एक में जाते हैं, किस में जाते हैं, इक्वेशन नंबर वन में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, इक्वेशन नंबर वन हमारे पास क्या है, ए बी सी के मान किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर वन में। इक्वेशन नंबर वन में जब मान रखेंगे कितना हो जाएगा स्टूडेंट, जरा ध्यान देखिए, हमें पता था माइनस वन अपान एक्स फिर प्लस वन अपान एक्स प्लस वन फिर कितना यक्स माइनस वन, तीन इक्वेशन हमें बन गए। ठीक है, अब तीनों को हम क्या किए भाई, सबके मान आपस में रख दिए। ठीक है, हमने क्या कहा, इसका पहले वाला ए के मान कितना आया, माइनस वन आया, बी के मान कितना वन आया और सी का मान भी कितना वन आया था, तीनों का मान हमने क्या किया, कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखने, फिर से वही क्रिया अपना रहे हैं, किसका फार्मूला बन गया, वन अपान एक्स, वन अपान एक्स फार्मूला किसका फार्मूला था, लॉग एक्स का, माइनस लॉग एक्स कर दिए स्टूडेंट हम, यहाँ कितना फार्मूला होता है, वन अपान एक्स प्लस वन, तो इसका फार्मूला किसका हो गया, लॉग एक्स का, तो एक्स के स्थान पर क्या है, एक्स प्लस वन, तो ये लिख दिए। अब यहीं पर भी क्या होता है, वही क्रिया अपना दिए। ठीक है, प्लस सी कर दिए, कितना कर दिए भाई, प्लस सी कर दिए। ठीक है, अब देखते हैं स्टूडेंट, जब हमारे पास इतनी क्रिया अपना लिए तो हमारे पास देखिए जरा, आप ध्यान से देखिए, हमें पता है कि लॉग पी क्यू आर एस, मतलब लॉग पी क्यू आर, इसका फार्मूला होता है लॉग पी प्लस लॉग क्यू लॉग आर। तो हमारे पास देखिए दो सिस्टम जो हैं क्या मिल रहे हैं, पॉजिटिव मिल रहे हैं, कौन कौन, लॉग एक्स प्लस वन प्लस लॉग एक्स माइनस वन, दो सिस्टम क्या हुए, पॉजिटिव मिले, एक नेगेटिव मिला। तो जब भाई हमारा क्या होता है फार्मूला, क्या हो गया पॉजिटिव में, तो गुणनफल में आ जाएगा ना, तो कितना हो गया लॉग एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, ये क्या नेगेटिव फंक्शन क्या हो जाता है, एक्स भाग में चला जाता है, क्योंकि लॉग एम माइनस एन का फार्मूला क्या होता है, लॉग एम अपान एन होता है। ठीक है, तो क्या होता है भाई, लॉग एम अपान का फार्मूला क्या होता है, लॉग एम माइनस एन का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, बताइए आप जो, लॉग एम माइनस एन का फार्मूला क्या होता है भाई, लॉग एम फिर लॉग एन, कितना होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन होता है ना, लॉग कितना होता है स्टूडेंट, लॉग एम अपान एन का फार्मूला कितना होता है स्टूडेंट, लॉग एम माइनस लॉग एन। ठीक है, ये हो गया, तो हमने फार्मूला पे इसको क्या कर दिया, पुट कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया भाई, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, नीचे कितना है एक्स, तो हमने क्या कि वही फार्मूला इस पर लगा दिया, किसका, लॉग एम माइनस एन का, लॉग एम अपान एन का फार्मूला इस पर क्या कर दिया, अभी हमने लिखा क्या होता भाई, लॉग एम अपान एन, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, देखते हैं हम, लॉग एम होता है,
माइनस लॉग एन होता, कितना होता भाई, लॉग एन होता, यही होता ना फार्मूला। तो उसी फार्मूले पे हमने क्या कि इसको बना दिया, लॉग एम अपान एन की वैल्यू कर दिया, जब तोड़ेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, सेम सिस्टम प्राप्त हो जाएगा ना, लॉग एम फिर क्या हो जाएगा भाई, जो हमारे पास ये दिया हुआ वही चीज़ मिल जाएगा हमें। ठीक है चलिए भाई, हमें उम्मीद होगा कि आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में होगा। यही क्या होता है स्टूडेंट हमारे पास, यही इसका क्या होता है आंसर होता है। ठीक है इसका आंसर कितना है स्टूडेंट, लॉग लॉग यक्स स्क्वायर माइनस वन अपान कितना यक्स। ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट, आज के लिए इतना बहुत है क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो रहा है। ठीक है अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी के साथ दूसरे टॉपिक, मतलब हम इंटीग्रेशन में आंशिक अवकलन, आंशिक भिन्नों द्वारा अवकलन समाकलन के हम क्या करेंगे दूसरा पढ़ेंगे, मतलब इसी से कुछ एक्स्ट्रा और भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तो दो ही क्वेश्चन इसमें हुआ है, अभी और भी कई क्वेश्चन इसमें बताए जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट दिन, ठीक है आज के इतना बहुत स्टूडेंट।